वेलकम आप सभी का। देखिए, ये हमारा काफ़ी एक इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसमें हमने एक स्पेशल कोर्स के रूप में आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी जो पेपर सेकंड है जिसमें कि आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं इसको रखा है और एक प्रोमो कोर्स के रूप में हमने इसको लॉन्च किया है। अभी 3 जुलाई से ये कोर्स अपन ने स्टार्ट कर लिया है। देखिए, कोर्स की खास बात ये है कि आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है क्या ना, जब भी आप कोई तैयारी करते हैं तो आपको एक होना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है तो उसका एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन स्टूडेंट को रहना चाहिए। और एग्जामिनेशन के जो लेवल होते हैं ना, पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है या ऑलमोस्ट पेपर्स में क्वेश्चन का जो लेवल रहता है उस लेवल तक और थोड़ा बहुत उससे ऊपर ही आपका लेवल मेंटेन हो, ऐसा हमारा इस पेज में पूरा कोशिश रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा है, चैनल पे देखा होगा कि लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर भी काफ़ी रिजल्ट अच्छे थे, काफ़ी सिलेक्शन सीकर सेंटर से काफ़ी अच्छे सिलेक्शन रहे हैं। और ज़्यादा इम्प्रूव करके हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। लास्ट पेज से भी ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी इसमें हम अपनाएंगे और बहुत ईजी तरीके से, एकदम से सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को सारा कंटेंट अवेलेबल हो, क्वेश्चंस अवेलेबल हो, उनके डिस्कशन अवेलेबल हो, टेस्ट अवेलेबल हो और आपको जितना कुछ भी बायोलॉजी के एंगल से स्कोरिंग के लिए चाहिए वो सारा आपको टू द मार्क मिल जाए, ऐसा हमारा कोशिश रहेगा। और नो डाउट हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस कोर्स के बाद में आपका जो स्कोर है डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप सभी को टीम बिल्स की तरफ से शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और क्लासेस की जो हमारी शुरुआत है वो हम सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद में हम वन बाय वन करके सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे। बॉटनी का सेक्शन, जूलॉजी का सेक्शन, दोनों सेक्शन हम टाइम वाइज कवर करेंगे और लास्ट एग्जाम तक हमने इसकी वैलिडिटी को भी रखा है। और हमारा लास्ट बार भी यही एफर्ट था, इस बार भी हमारा यही रहेगा कि आपको लास्ट एग्जाम के डे तक हम कनेक्ट रहेंगे, एग्जाम के बाद में भी आपसे कनेक्ट रहेंगे, आपके जो भी डाउट्स हैं उन सब के ऊपर भी काम करेंगे। तो अगेन आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस प्रोग्राम को। देखिए, किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए कुछ खास प्रकार की स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको कि आप सिंपल एक रणनीति बोल सकते हैं। तो एक तो होता है कि हम किसी भी टारगेट के पीछे ऐसे ही जाएं या हम एक वेल प्लानिंग के साथ में जाएं, तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है और टाइम बाउंड होना चाहिए। आप उसके अंदर बहुत अच्छे से स्कोरिंग निकाल पाएँ या उसको कंप्लीट कर पाएँ, ऐसा आपका पूरा प्लानिंग होना चाहिए। देखिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, सबसे पहला काम तो ये होता है कि आपको एग्ज़ाम के जो पार्ट्स हैं, सिलेबस के पार्ट्स हैं, स्कोरिंग के पार्ट्स हैं, वो पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्लांट फिजियो से स्टार्ट करने वाले हैं और प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट पेपर्स में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, किस प्रकार से रहा है, तो ये हमारे पास 2013 की बात हो, 2015 की बात हो, 2018 की बात हो या लास्ट जो 2022 एग्ज़ाम था उसकी बात हो, लास्ट 4 एग्ज़ाम पेपर्स को हमने एनालाइज़ किया है और एक बिल्कुल से कंसाइज वे में हम इसको आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम 2013 की बात करें तो 2013 के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी से टोटल 8 क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। ऐसे अगर हम 2015 की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें 2018 के पेपर की तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वेरी लास्ट जो 2022 का पेपर रहा है इसमें 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप प्लांट फिजियोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं।
तो 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन लास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हालांकि पूरे पेपर में ही ट्यूशन का जो स्टैंडर्ड होता है वो सिंपल होता है। हाँ, ये अलग बात है कि फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी सारा रहता है और डाउट्स, ऑप्शंस को लेकर डाउट काफ़ी कॉमन चीज़ होती है, तो वो चीज़ इम्प्रूव करनी ज़रूरी होती है। ज़्यादा टफनेस नहीं होती है, डाउट वाला सेक्शन ज़्यादा होता है, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से और सिंपली कवर हो जाएं तो ये चीज़ें आपको दिक्कत नहीं देंगी और बेटर स्कोर आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट फिजियोलॉजी से अच्छा खासा फ्रैक्शन है कि ना, 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। तो अपन जैसे बात करें तो 8-10 क्वेश्चन अगर अपन को एक सेक्शन से मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एग्जाम्स का स्टैंडर्ड है, मे भी थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी होता है, तो अपन उसको भी कंसिडर रखेंगे कि थोड़ा सा अच्छा ही अपन प्रिपेयर करेंगे ताकि और बेटर सिचुएशन हमारी रहे, चाहे पेपर का लेवल अप एंड डाउन कैसा भी जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके ही हम काम करेंगे। जैसा कि हमारा रेगुलर पैटर्न होता है CSIR का, वैसे हम चाहेंगे कि हमारा फर्स्ट ग्रेड का पैटर्न रहे, कि टॉपिक वाइज आपके साथ क्वेश्चंस वो सारे डिस्कस भी हों, कुछ नए क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे भी जाएं, वो फाइनली आपसे टेस्ट के अंदर भी आपकी परफॉर्मेंस है वो चेक की जाए। तो ये सारे चीज़ें हम इसमें इंक्लूड रखने वाले हैं। और इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन आज का नेक्स्ट प्रॉपर टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की, तो उसमें अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सिलेबस के हिसाब से बात की जाए तो दैट इज वाटर रिलेशनशिप, वाटर रिलेशनशिप। हालांकि आपके जो BSc की बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ आता है प्लांट वाटर रिलेशनशिप के नाम से, ना उसमें प्लांट नाम और जुड़ जाता है ना, पादप जल संबंध के नाम से ये पहला टॉपिक होता है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप के नाम से, ठीक है। तो एज इट इज अपन टॉपिक को भी तैयार करेंगे और इससे कनेक्टेड जो जो बातें पेपर्स में रह सकती हैं या उस लेवल की जो भी पूछी जा सकते हैं वो सारे अपन इसमें बात करेंगे। तो एक एक टॉपिक वाइज हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, जैसे अपन बात करें कि प्लांट का वाटर के साथ में जो रिलेशन होता है ना, जैसे उसकी बात की जाए, जैसे आप एक प्लांट बना लीजिए सिंपली, तो प्लांट का वाटर के साथ में कनेक्शन सॉइल से लेके एयर तक होता है। जड़ें जो होती हैं वहाँ से पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसका जो एक्सिस है ना, क्योंकि एक्सिस जमीन के नीचे भी होती है, वो रूट एक्सिस होता है, जमीन से ऊपर होती है वो शूट एक्सिस होता है, बाद में पत्ती भी आ जाएगी, लीफ भी आ जाएगा, और फाइनली लीफ के अंदर आपको लास्ट ओपनिंग के रूप में जो स्टोमेटा वो मिल जाते हैं। तो ऐसा है कि सॉयल से लेके एक्सिस से होते हुए स्टोमेटा से होके एयर तक, यानी कि दिस इज लिक्विड वाटर और दिस इज गैसियस कंडीशन। तो पूरा एक सिस्टम होता है प्लांट का, पानी से लेके यानी कि लिक्विड वाटर जो कि सॉइल में है उसे लेके और हमारे वायुमंडल के अंदर जो वाष्प होती है ना वहाँ तक एक कंटिन्यूटी होती है, और इसको अपन बोलते हैं हाइड्रो स्टैटिक सिस्टम, है ना। हिंदी में आप इसको द्रव्य स्थैतिक तंत्र, है ना, इस नाम से जानते हैं। स्टैटिक का मतलब फिक्स होता है ना, हाइड्रो का मतलब तो पानी है, स्टैटिक का मतलब फिक्स, और फिक्स का मतलब है कि जो कंटिन्यूस है, जो टूटा हुआ नहीं होता ना, कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता है कि जब
पौधा वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा कर रहा होता है और सॉइल में पानी नहीं होता है, तो जाइलम के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हवा आ जाती है और जाइलम के वो एलिमेंट्स हैं उनमें से पानी का मूवमेंट बंद हो जाता है, उसको अपन कैविटेशन बोलते हैं, कैविटेशन। तो जाइलम वेसल्स के अंदर है ना, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, इनमें एयर के बबल्स आ जाते हैं, तो उससे पानी का जो सिस्टम है वो टूट जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। लेकिन उसका आंसर ये होता है कि ऐसे बहुत सारे ट्रैकेट्स लगे रहते हैं, बहुत सारे वेसल्स लगे रहते हैं, तो किसी एक में ये सिस्टम टूट गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी के अंदर ये सिस्टम कनेक्टिविटी में रहता है। तो ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर पानी का एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है, और टेक्निकली इस चीज़ को अपन सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फियर, कॉन्टिनम भी बोलते हैं, कॉन्टिनम, शॉर्ट में इसको SPAC, स्पैक, सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फियर, कॉन्टिनम। देखो क्वांटिनम का मतलब होता है सततता, है ना, कंटिन्यूटी, कि पानी का जो सिस्टम है वो जमीन से लेके प्लांट से होके एटमॉस्फियर तक, है ना, सॉइल के अंदर सॉइल सैप होता है ना, कि जो मिट्टी के कण हैं उनके बीच में पानी और मिनरल्स का जो लिक्विड है वो सॉइल सॉल्यूशन कहलाता है, तो सॉइल सॉल्यूशन है वो, सॉइल वाटर कह सकते हो, और बेटर तरीके से बोलें तो अपन इसको सॉइल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो वाटर है उसका प्लांट से होके एटमॉस्फेयर तक एक कंटिन्यूस कनेक्शन होता है, और ये बिना टूटा हुआ कनेक्शन है, इसी को अपन सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनम के नाम से जानते हैं। देखो जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे तो इकोलॉजी के अंदर भी क्वांटिनम कॉन्सेप्ट आती है, क्वांटिनम वहां पे इसका मतलब ये होता है कि एक सिस्टम धीरे धीरे दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, एक कम्युनिटी धीरे धीरे दूसरी कम्युनिटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां भी क्वांटिनम का मतलब कंटिन्यूटी ही होता है, लेकिन यहाँ पे अपन पानी की कनेक्टिविटी और रेगुलर जो कनेक्टिविटी है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक जो क्वेश्चन बन सकता है कि पौधे की बॉडी है ना, जैसे अपन पौधे की बॉडी को एक बार ऐसे दिखा देते हैं कि ये जड़ों से लेके स्टोमेटा तक सारा बॉडी, ये बॉक्स आ गया ना, ये इसमें सब आ गया, ऐसा मान लो। तो पानी का जो सिस्टम है वो इसमें से होके लगातार एक कंटिन्यूड सिस्टम है ना, अपन इसको ऐसे बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे दो प्रकार के फोर्सेज होते हैं जो इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। एक तो होता है कि पानी का मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है ना, उसको अपन बोलते हैं कोहिजन फोर्स, कोहिजन फोर्स। देखो को का मतलब होता है एक समान, और हीजन का मतलब चिपकना, तो पानी पानी से चिपके, पानी पानी से जुड़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो पानी के अणु आपस में जुड़ के एक सिस्टम बनाते हैं, वो कंटिन्यूस सिस्टम है। तो एक तो उसमें आ गया कि कोहिजन फोर्स जिम्मेदार होता है, दूसरा क्या होता है कि जब पानी जाइलम के एलिमेंट, क्योंकि मेनली जाइलम से होके पानी का अपवर्ड मूवमेंट या एसेंट ऑफ से जाइलम से होके होता है, जाइलम के अंदर आप वेसल्स लें, ट्रैकेट्स लें, ये मेन कंपोनेंट होते हैं, तो जाइलम की जो भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है ना, उसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी मोटी होती है, थिक होती है, और भित्ति है वो सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, इन चीज़ों से बनी होती है। तो एक तो ये होता है कि पानी पानी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एक पानी भित्ति के साथ यानी कि सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, उनसे भी जुड़ा हुआ होता है। तो पानी का भित्ति का मटेरियल है ना वो तो सेलुलोज है ना, ये हो गया वाटर, और सिंपली आप क्या कह दो, सेलुलोज बोल दो, है ना।
तो पानी का अपना जैसा नहीं कोई दूसरा है सेलुलोज, उसके साथ जो बॉन्डिंग है उसको हम बोलते हैं एडहीशन फोर्स। एडहीशन का मतलब चिपकना होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम या प्लांट की बॉडी से होकर के पानी का जो कंटीन्यूअस सिस्टम होता है उसको दो बॉन्ड संभालते हैं, एक तो है कोहिजन फोर्स और दूसरा है एडहीशन फोर्स, राइट। तो जब पानी की कमी हो जाती है, ट्रांसपायरेशन पुल ज़्यादा होता है, तो उस समय पे पानी का सिस्टम टूटता नहीं है, क्योंकि एक तो कोहिजन से वो अणु बंधे रहेंगे और एक एडहीशन से वो दीवारों से पानी की जो परत है वो चिपकी रहेगी। तो प्लांट सॉइल में पानी कम है या ज़्यादा है, या एटमॉस्फेयर में नमी कम है या ज़्यादा है, ट्रांसपायरेशन की कोई भी सिचुएशन आप एज्यूम करें, तो लगभग सभी प्रकार के कंडीशंस के अंदर पौधा कैसे भी करके अपने हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम को मेंटेन करता है। तो ऐसा है कि जैसे आपको ऐसा लगना चाहिए कि प्लांट का जो बॉडी है उसमें से वाटर मूव करता है ना, कि जड़ों से इसमें एंटर करता है रूट हेयर से और स्टोमेटा से इसमें से आउट हो जाता है। बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है, जो आप किसी एनिमल को लेंगे तो वो भी पानी को पीता है, एक्सक्रीशन भी होता है, स्वीटिंग भी होती है। तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से पानी है वो बहता है या पानी है वो चलता है, ये सभी के लिए लागू होता है। प्लांट के केस के अंदर हम इसको एक कंटिन्यूस सिस्टम यानी कि सॉयल प्लांट एटमॉस्फेयर कॉन्टिनम के नाम से जान सकते हैं। देखो इसके बाद में हम एक एक करके टॉपिक्स को इसमें ऐड करते हैं, और सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सॉइल वाटर के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से कुछ टर्म्स हैं और वो टर्म्स आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉइल के अंदर जो टोटल वाटर होता है ना, कि किसी भी प्रकार की सॉइल का जो कंप्लीट मात्रा जो होती है पानी की उसको अपन बोलते हैं वोलाइड, है ना। कंप्लीट का मतलब है, वोलाइड का मतलब टोटल पानी आ जाता है इसके अंदर, कंप्लीट अमाउंट। इसके बाद में दूसरा वो फ्रैक्शन है जिसको प्लांट्स यूज कर सकते हैं, यूज्ड बाय प्लांट्स, यानी कि सॉइल वाटर का वो हिस्सा जिसको पौधे काम में ले सकते हैं उसको बोलते हैं क्रेसार्ड। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं कि यही वो पानी है जिसको पौधा अपनी जड़ों से, या थोड़ा और अच्छा बोलें तो रूट हेयर से उठाता है। इसके बाद में थर्ड वन जो बच गया कि आप टोटल में से यूज्ड को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी है रिमेनिंग, जिसको पौधे यूज नहीं कर सकते लेकिन सॉइल में होता है, इसको अपन बोलते हैं इकार्ड। तो हमारे पास तीन वर्ड आते हैं, होलाइड कंप्लीट वाटर के लिए आता है, क्रिशार्ड जो पौधे यूज करते हैं उसके लिए आता है, और ई कार्ड वो अमाउंट है जिसको प्लांट्स यूज नहीं कर सकते। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जा सकता है वो क्रिशार्ड है, क्योंकि मामला है वो प्लांट्स के काम में आने के हिसाब से होगा, और प्लांट्स जिस वाटर को यूज करते हैं दैट इज क्रिशार्ड, राइट। तो होलाइड क्या है, पूरा वाटर, क्रिशार्ड क्या है, पौधे जिसको काम में ले सकते हैं, और जिसको नहीं ले सकते वो डिफरेंस है, उसको इकार्ड बोलते हैं। ऐसे अपन इसको फर्दर और भी कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है कैपिलरी वाटर,
कैपिलरी वाटर का मतलब ये है कि जैसे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, और इस जगह के अंदर जो पानी भरा रहता है इसको अपन कैपिलरी वाटर बोलेंगे। जो यहाँ पे स्काई ब्लू से आपको दिख रहा है, दिस इज कैपिलरी वाटर। और जो रूट हेयर हैं वो इसको उठाते हैं। यानी कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे सॉइल में से कौन सा वाटर उठाते हैं, तो एक तो आंसर आपके पास आएगा कि वो कैपिलरी वाटर उठाते हैं। दूसरा आप आंसर ये दे सकते हैं कि आप उसको एक लेवल पे क्रिसाइड भी बोल सकते हो। तो ऐसी दो बातें यहाँ से जुड़ती हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसमें पानी है वो भरा रहता है। वैसे कैपिलरी कांच की ट्यूब्स होती हैं जो अंदर से खोखली होती हैं, और अगर हम ऐसी खोखली ट्यूब को पानी के अंदर रखते हैं तो ट्यूब में जो पानी है उसका लेवल हमारे नॉर्मल जो लेवल है उससे ऊपर तक चढ़ जाता है। तो किसी कांच की खोखली नली के अंदर पानी है वो नॉर्मल लेवल से ऊपर तक जो चढ़ जाता है उसको आपको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, दिस इज कैपिलरी एक्शन। तो वहीं से इसका ओरिजिन है कैपिलरी वाटर। कैपिलरीज जितनी पतली होती हैं कैपिलरी एक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मान लो आप कांच की ये ट्यूब, एक तो पतली सी ट्यूब बनाते हैं और एक आप मोटी ट्यूब बनाएंगे, तो मूवमेंट जो है पानी का, जो मूवमेंट है इसमें पानी ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, इसमें ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स वो भी इस प्रकार से काम करते हैं। रूट हेयर्स हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस जितना छोटा होगा कैपिलरी एक्शन उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इंटर पार्टिकल स्पेस जितना छोटा होगा, स्पेस अगर स्मॉल होगा तो एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर पार्टिकल बड़े हैं तो मोमेंट जो है वो ऊपर की तरफ कम होगा, ग्रेविटेशनल साइड की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के सॉइल्स के अंदर पार्टिकल साइज वेरी करता है, उसके पे अपन बात करेंगे। बट एक बार कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी का मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो फ्री वाटर है, ये एक्चुअल में फ्री वाटर है, ये इसका कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, ये फ्री वाटर है। वैसे कांच की नली तो बिल्कुल सीधी होती है लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट खाली जगह में भरा हुआ उसका नाम कैपिलरी होता है। इसी प्रकार से दूसरा वाटर अपन ले सकते हैं, वो होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं आर्द्रता ग्राही। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है, आप उसको पानी के अंदर एज्यूम करेंगे तो उसकी सतह के ऊपर पानी चिपका हुआ होता है ना। जैसे अपने एक पत्थर को अगर बाल्टी भरी हुई पानी की उसमें से निकालें तो पत्थर गीला हो जाएगा, यानी कि पानी की केवल एक पतली सी परत है जो उसकी सतह के ऊपर चिपकी हुई है, दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो प्लांट्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर को यूज नहीं करते, नॉट यूज्ड बाय प्लांट। हाँ, ये होलार्ड का हिस्सा है, ये ईकार्ड का हिस्सा है, बट ये क्रिसार्ड का हिस्सा नहीं है। कैपिलरी वाटर है वो क्रिसार्ड का हिस्सा होगा। हालांकि प्लांट फिजियोलॉजी से तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इकोलॉजी से या सोयल टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे एक तो है क्ले और एक है लॉन्ग, दो प्रकार की सोयल है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहाँ ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहाँ ज़्यादा होगा, अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक
वाटर। देखो क्ले के पार्टिकल छोटे होते हैं और लोम के पार्टिकल बड़े होते हैं, तो पार्टिकल जितने छोटे होंगे इकाई आयतन के अंदर पार्टिकल्स उतने ज्यादा आएंगे। तो जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा कहाँ होगा? क्ले में होगा। मोल सरफेस एरिया, तो जहां सरफेस एरिया ज्यादा है वहां पे हाइग्रोस्कोपिक वाटर है उसकी मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मिट्टी के कण अपने सतह के ऊपर पानी को जो चिपका के रखते हैं ना उसका नाम होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये एडहेशन फोर्सेज कोहिजन फोर्सेज वो दोनों यहाँ पे काम करेंगे, बट पौधे इसको काम में नहीं ले सकते, ये अपन को पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर नेक्स्ट वन टाइप अपन थर्ड वन टाइप में डाल सकते हैं कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब होता है केमिकली बाउंड। यानी कि ऐसा पानी जो, हाँ जैसे सॉइल है तो सॉइल का मतलब हो गया मिनरल, तो मिनरल के साथ में जो केमिकली बाउंड पानी होता है उसको अपन कंबाइंड वाटर बोल सकते हैं। केमिकली बाउंड है जो रासायनिक रूप से मृदा के जो कंपोजिशन है उसके साथ में जुड़ा हुआ है वो फ्री नहीं है, है ना। उससे जैसे हाइग्रोस्कोपिक से तो मिट्टी में नमी आती है लेकिन कंबाइंड से कोई नमी भी नहीं है, वो तो केमिकली उसका पार्ट है, क्योंकि मिनरल भी केमिकल होते हैं, पानी भी एक केमिकल है, केमिकली जुड़ा हुआ है, तो प्लांट इसको यूज़ नहीं कर सकते, नॉट यूज बाय प्लांट। हालांकि यहाँ से इसका कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है क्वेश्चन का, लेकिन ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। जब आप इकोलॉजी के अंदर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी कि जल तंत्र जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पूरे ग्लोब के ऊपर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ है? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ है? जैसे ऑप्शन वन ओशियन, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर, ऑप्शन सी बायोस्फीयर, ऑप्शन डी एटमॉस्फेयर। देखो कंबाइंड का मतलब हो गया केमिकली बाउंड वाटर, है ना। जैसे मिनरल है, जैसे मान लो कि ये आपके पास कोई मिनरल पार्टिकल है और वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं केमिकली। जैसे आप ये कहते हैं कि एक तो हो गया मिनरल और एक वाटर इसका हिस्सा है, जैसे कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर सल्फेट के साथ पानी जुड़ा हुआ होता है, तो आप कॉपर सल्फेट को हाथ में देंगे तो वो कोई गीला नहीं लगेगा आपको ना, उसमें कोई नमी नहीं है, वो उसके अंदर मॉइस्चर है, तो वो केमिकली बाउंड वाटर है। एक तो होता है कि पानी पड़ा है वो लिक्विड वाटर है, एक पानी हवा में है वो गैसियस वाटर है, एक पानी सतह पे है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, एक पानी केमिकली उसका हिस्सा है वो है कंबाइंड वाटर, केमिकली बाउंड। ओके सर। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी कहाँ है? तो ऑप्शन वन जैसे ओशन में है क्या, या रॉक्स में है क्या, या जो जीव जंतु हैं उनमें है क्या, या हवा में है क्या? तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इज लिथोस्फीयर। यानी कि हमारी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा जो मात्रा है पानी की वो किन में है? रॉक्स में है, और रॉक्स में जो पानी है वो कौन सा पानी है? कंबाइंड वाटर है। क्वेश्चन
क्योंकि जब आप इवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि जो अर्ली एटमोसफेयर था उसमें वॉल्केन ओरप्शन हुए थे, ज्वालामुखी फटते हैं, उनसे गैसेज निकलती हैं, वेपर्स निकलती हैं। तो पिघली हुई चट्टान में से भाप कहाँ से निकलेगी? क्योंकि उसके अंदर कंबाइंड वाटर है। वो जब हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शंस होते हैं तो वो एज ए वेपर उसमें से रिलीज होता है। तो हमें लगता है कि ओशंस में बहुत पानी है, ऐसा नहीं है। ओशन से कई गुना ज़्यादा पानी, कई गीगा टन वाटर किसमें है? रॉक्स के अंदर है। लेकिन प्लांट्स रॉक्स वाले पानी को यूज़ नहीं कर सकते, केमिकली बाउंड वाटर को प्लांट यूज़ नहीं कर सकते। बट हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और कहीं और से इसका कनेक्शन है तो वो किस प्रकार से है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसमें ले सकते हैं सॉइल एटमॉस्फेयर। और सॉइल एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है वो आपको मिलेगा वाटर एज वेपर्स। ये एक प्रकार से गैसियस फॉर्म है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच के अंदर पानी है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। अगर सॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी है वो वेपर्स के फॉर्म में भी हो सकता है। प्लांट्स इसको यूज नहीं कर सकते, नॉट यूज्ड बाय प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स गैस या वेपर को कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते। वेपर्स को वो छोड़ते जरूर हैं, स्टोमेटा से सोखते नहीं है। ऐसे अपन ले सकते हैं लास्ट वन टाइप, दिस इज ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर, जैसे हमारे पास कोई सॉइल है और इस सॉइल में अगर हम पानी डालेंगे तो पहले ये भीगना स्टार्ट होगा और फिर ये कंप्लीटली सेचुरेट हो जाएगी, है ना। सेचुरेट होने का मतलब होता है कि आप इसमें और पानी नहीं ऐड कर सकते। अगर आपने उसके बाद में इसमें और पानी ऐड किया तो वो पानी इसमें से एज ए ड्रॉप निकल जाएगा। तो सॉइल का वो वाटर जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच सकता है, दिस इज ग्रेविटेशनल वाटर। तो ग्रेविटेशनल वाटर है वो तो सॉइल में से रिस जाएगा ना, रिसाव हो जाएगा। मिट्टी में से पानी का नीचे की तरफ जो रिसाव होता है उसको अपन बोलते हैं परसोलेशन। पार्टिकल साइज से इसका कनेक्शन होता है। जैसे अपन बोलेंगे कि क्ले क्ले में पार्टिकल साइज है वो स्मॉल होता है, तो ग्रेविटेशनल वाटर है वो उसमें पुअर होगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांगली काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे लॉम है, सैंड है, तो उसमें पार्टिकल साइज कैसा है? बड़ा है, बिग। तो वहां पे अच्छे से रिसाव होता है। तो पार्टिकल छोटे होने पे ग्रेविटेशन वाटर की मात्रा कम हो जाती है और पानी मिट्टी में ज्यादा मिलेगा, ना कि रिस के नीचे जाएगा। अगर पार्टिकल बड़े हैं तो उनके बीच का गैप भी बड़ा होता है और पानी नीचे खींच के चला जाता है, यानी कि नीचे कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर टेबल को बनाता है। ग्राउंड वाटर टेबल। तो अपन यहाँ पे ऐसा देख पा रहे थे कि टाइप्स तो कई हो सकते हैं, लेकिन प्लांट्स केवल कैपिलरी वाटर को यूज करते हैं। सिंपली क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रही है कि ओनली कैपिलरी वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स। अब आप यूज बाय प्लांट्स को सही कर दीजिए, वो हो जाएगा एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, कि पौधे अपने रूट हेयर से केवल कैपिलरी वाटर को सोख सकते हैं। राइट, आई होप क्लियर। ठीक है, इसके बाद में चलिए आपसे एक छोटा सा इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, कि कोई सॉइल है आपके पास और उसमें कैपिलरी वाटर प्रेजेंट है,
ना, उसमें कैपिलरी वाटर है। आपको ये बताना है कि कोई भी प्लांट क्या वो कंप्लीट कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, यस और नो? यानी कि किसी भी सॉइल में जितना भी कैपिलरी वाटर है, क्या हम सारा कैपिलरी वाटर पौधे अपने जड़ों से सोख सकते हैं क्या? आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या है? नो। मींस पौधे कैपिलरी वाटर्स ही सोखेंगे, ओनली कैपिलरी ही वो काम में लेते हैं, लेकिन कंप्लीट कैपिलरी वाटर कभी भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। यानी कि एक लेवल के बाद में कैपिलरी वाटर को यूज नहीं कर सकते, और वो लेवल जो होता है उसको अपन बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट, परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट, यानी कि स्थाई मलानी गुणांक। ये क्या मामला है, आप इसको कैसे समझे? ऐसा है कि जैसे आप मान लीजिए कि ये कैपिलरी वाटर है, तो प्लांट इस पूरे कैपिलरी वाटर को कभी भी नहीं उठा सकता, इसका कुछ अमाउंट है वो ऐसा रहेगा जिसको प्लांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वाटर है ये एक्चुअल में हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ भी जुड़ा रहेगा, पार्टिकल्स के साथ में सरफेस के ऊपर भी रह सकता है, और कैपिलरी एक्शन होने के बावजूद भी ये ऊपर राइज नहीं करेगा, नो राइज, है ना? इसको जैसे आप समझने की कोशिश करें तो ऐसा है कि सॉयल तो एक सिस्टम है, ये खुद अपने वाटर को अपने पास भी रखना चाहती है और पौधे इसको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी कैपिलरी खाली कर दो कि पौधा इतना मजबूती से खींच लेगा कि कैपिलरी तो सूख जाएंगी और उसमें कैपिलरी का मात्रा वो जीरो हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है। तो एक लेवल तक कैपिलरी को वो पी सकते हैं, उसके बाद में नहीं पी सकते, और कहाँ तक पी सकते हैं? दैट इज परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट। परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट के बाद में भी सॉयल के अंदर कैपिलरी वाटर होता है, लेकिन वो वाला कैपिलरी वाटर है जिसको प्लांट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना। तो ऐसे तो प्लांट दोपहर के अंदर मुरझा ही जाते हैं, वो कारण होता है कि जड़ों से पानी कम आ रहा है और ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर मिट्टी में पानी कम होते होते इतना कम हो गया कि अब पौधे के अंदर मुरझाने के जो सिम्टम है वो लगातार आ रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट। तो परमानेंट विल्टिंग कोफिशिएंट का मतलब ये है कि उसमें अब और एक्स्ट्रा कैपिलरी वाटर नहीं है जिसको प्लांट सोख सकता है, होता जरूर है लेकिन प्लांट्स उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसी सिंपली आप इसमें ऐड कर सकते हैं किसी भी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि कोई भी सॉइल कितना पानी होल्ड कर सकती है वो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि WHC होता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल क्लास में भी इसको निकाला होगा ना, आपने एक सॉइल लिया होगा ड्राई सॉइल, उसको आपने एक फनल के अंदर है ना फिल्टर पेपर लगा करके फिर आपने उस मिट्टी को उसमें डाला होगा और फिर आपने उसमें एक पानी ऐड किया होगा और फिर आपने उसको कुछ समय के लिए स्टैंड बाय किया था, बीकर के अंदर रख के आपने उसको छोड़ दिया होगा, तो कुछ पानी परसोलेट होकर के नीचे आ जाता है,
बाकी जो पानी है वो इसके अंदर रहता है। तो ये कितना पानी होल्ड कर सकती है वो होता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से अगर एक्स्ट्रा वाटर हम देंगे, यानी कि किसी भी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जितना होता है, अगर मान लो कि बारिश हो गई या आपने सिंचाई कर दी, तो आप तो लगातार पानी गिरा रहे हो, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो एक फिक्स अमाउंट होती है जो कि सॉइल कैसी है, पार्टिकल कैसे, उस पर डिपेंड करता है। तो उससे ज़्यादा पानी अगर हम ऐड करेंगे तो वो पानी कहाँ जाता है, ग्रेविटेशनल वाटर के रूप में परसोलेट होता है। बस इससे कैपिलरी नहीं बढ़ सकती, हाइग्रोस्कोपिक नहीं बढ़ सकता, केमिकली बाउंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल ग्रेविटेशनल पे फर्क पड़ता है। तो अगर होल्डिंग से कम है तो जड़ों से जो पानी सोखना है उस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपने होल्डिंग से ज़्यादा पानी दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो केवल परसोलेट होकर के नीचे जाएगा। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से ज़्यादा पानी कोई सॉयल होल्ड नहीं कर सकती। परमानेंट विल्टिंग कोफिशेंट जो होता है उससे नीचे जाकर के कोई पौधा पानी सोख नहीं सकता। तो परमानेंट विल्टिंग कोफिशेंट से ऊपर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के नीचे, है ना। मैटर कहाँ पे आ गया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग कोफिशेंट, इनके बीच में जो पानी है बस पौधे उसको यूज़ कर सकते हैं, और वो भी कौन सा पानी, ओनली कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर, ओके। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और एक सेक्शन इसमें ऐड करते हैं, और वो है सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल के प्रकार हैं, टाइप्स। तो एक प्रकार से सॉइल पार्टिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और वन इज इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, इसको अपन बोलते हैं ISSS, और एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। दिस इज ISSS। तो चाहे तो इंडियन सोसाइटी की बात हो, चाहे इंटरनेशनल यूनियन की बात हो, जो कि सॉइल साइंस से जुड़ी हुई एजेंसीज हैं, उन्होंने सॉइल पार्टिकल को कैटेगराइज किया है, और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि मोस्टली पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग कैटेगराइजेशन है ना, अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटा गया है। तो अपन बात करें कि जैसे सबसे स्मॉल पार्टिकल साइज की जो सॉयल होती है उसको अपन क्ले बोलते हैं, और पार्टिकल की साइज जो होती है वो रहेगी 0.002 mm से भी छोटा। तो अगर ऐसा पार्टिकल है जिसका डायमीटर, ना ये डायमीटर की बात हो रही है ना, पार्टिकल डायमीटर। वैसे तो क्या होता है कि सॉयल के जो कण होते हैं वो बिल्कुल से गोल नहीं होते, बस एक रफली डायमीटर की बात है। तो अगर पार्टिकल की साइज 0.022 mm से छोटी है तो उसको अपन क्ले बोलेंगे। ऐसे ही अगर हम इससे थोड़ा बड़ा साइज देखेंगे उसको अपन सिल्ट बोलेंगे, और ये होगा 0.002 से लेके 0.06 mm। और सिल्ट से बड़ा जो होता है वो सैंड है ना, जैसे पश्चिमी राजस्थान के अंदर सैंडी सॉयल है तो वो सैंड है, और वो है 0.06 से लेके 2 mm। और इसके बाद में ग्रेवल आ जाता है, ग्रेवल का पैरामीटर होता है 2 से लेकर के 60 mm तक। ग्रेवल के बाद में आते हैं कोबल्स, इनकी साइज है वो 60 mm से लेके 200 mm तक होती है। और इसके बाद में आते हैं बोल्डर्स, यानी कि बड़े बड़े पीसेस, ये ग्रेटर देन 200
200 mm डायमीटर के होते हैं। तो पार्टिकल साइज को लेकर के क्ले का साइज क्या है, सिल्ट का क्या है, सैंड का क्या है, ये तीन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो बहुत बड़ी साइज हो जाती है, कन्फ्यूजन जो है वो इन्हीं में होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्ले का होता है, आप ध्यान देना, 0.002 mm से भी छोटे, और फिर ये रेंज है 0.002 से 0.06 एंड 0.06 से 2 mm तक। तो ऑलमोस्ट आपका कोई क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा भी तो वो इन तीन लाइन से ही आएगा, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा वो मेहनत करता है तो वो ISS या IUSS ऐसे नाम डाल सकता है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स हैं, साइज के जो पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल से स्टैंडर्ड पैरामीटर यही होते हैं। नो डाउट आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आप इनको एज इट इज तैयार कर लेना। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, और अब अपन बात करते हैं एक और नया पैरामीटर इसमें ले लेते हैं अपन, वो है वाटर लॉगिंग। इसका मतलब होता है एक्सेस वाटर, जैसे कि मोस्ट कॉमन, जैसे कि चावल के खेत ले लें, राइस के फील्ड ले लिए, तो चावल के खेतों में लगातार पानी भरा हुआ होता है, तो वो वाटर लॉग्ड है, वाटर लॉग्ड है। ऐसे मान लो कि आप RPC में बैठेंगे, तो राजस्थान का मामला है, तो इंदिरा गांधी नहर का मामला आ जाएगा, है ना, इंदिरा गांधी कैनाल। और इंदिरा गांधी नहर का जो कैचमेंट एरिया है ना, जहाँ जहाँ नहर आई है वहाँ वहाँ वाटर लॉगिंग हो गया है ना। जैसे इकोलॉजी से क्वेश्चन बनेगा कि इंदिरा गांधी नहर का इम्पैक्ट क्या है या इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन ये है कि वाटर लॉगिंग, कि जरूरत से ज़्यादा पानी अगर मिट्टी में रहेगा तो इससे क्या होता है कि सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो हवा होती है ना, सॉइल एयर, वो रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस्ड बाई वाटर। तो जैसे पौधे की जड़ें हैं, तो जड़ों को रेस्पिरेशन करना होता है, और जड़ों को रेस्पिरेशन करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, O2 चाहिए, यानी कि एयर चाहिए। अगर आपने वाटर लॉगिंग कर दिया तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार पानी भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी जीरो हो जाएगी, और पौधे की जड़ें रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगी, जड़ें रेस्पिरेशन नहीं करेंगी तो उनमें नेक्रोसिस होगा और जड़ें गलना स्टार्ट हो जाएगी, रूट रोटिंग होने लग जाएगी। और स्ट्रेस क्रिएट होगा प्लांट को, पानी कम होने पे भी स्ट्रेस होता है और पानी ज़्यादा होने पे भी स्ट्रेस होता है, तो वाटर लॉगिंग से भी स्ट्रेस होगा। और इस स्ट्रेस कंडीशन के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है प्लांट फिजियोलॉजी के हार्मोन से, और वो क्वेश्चन ये बनता है कि वाटर लॉगिंग के अंदर कौन से हार्मोन का इंडक्शन चालू होता है, और वो है एसिटिलीन, यानी कि इथाइलीन। तो इथाइलीन का जो सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या करेगा, एजिंग कोज करता है, यानी कि प्लांट के सेनेसेंस है ना, प्लांट के पत्ते गिरना और उसका डाई अप होना, उसको स्टार्ट करेगा। तो इथाइलीन का सिंथेसिस होता है जड़ों के अंदर, और वो भी कब, जब पौधे को तनाव हो जाता है, कौन सा तनाव, वाटर लॉगिंग वाला। तो वाटर लॉगिंग होने पे पौधे की जो डेथ की तरफ जाने का जो मूवमेंट होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि पानी हवा को रिप्लेस कर देता है, तो जड़ें रेस्पिरेशन नहीं कर पाती, तो स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस से इथाइलिन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है,
और प्लांट उसको रिस्पॉन्स देता है कि प्लांट ख़त्म हो जाते हैं, डाइंग हो जाती है। तो इंदिरा गांधी नहर का एक दुष्प्रभाव जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पड़ा है वो ये है कि जो प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं, वाटर लॉगिंग से प्लांट्स उनकी डेथ हो जाती है। राइस के फील्ड के साथ में ये चीज़ प्लांट फिजियोलॉजी में जुड़ती है, वो जुड़ती है कि चावल के खेतों में जो चावल के पौधे हैं उनके आसपास C2H5OH यानी कि जो एथेनॉल होता है उसकी ड्रॉप्स मिलती हैं, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उसका कनेक्शन है ना रेस्पायरेशन से है, वाटर लॉगिंग से जड़ें मर जाती हैं, पौधा मर जाता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है, वो इथाइलिन से जुड़ा हुआ है। और सॉइल के एयर को अगर पानी से आप रिप्लेस कर दोगे तो वाटर लॉगिंग कंडीशन है, और कंटिन्यूस अगर वाटर लॉगिंग होगी तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान होता है, प्लांट्स हैं उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है। चलो इसके बाद में हम फर्दर और क्वेश्चनेबल टॉपिक्स को ऐड करते हैं, और ये अपना टॉपिक है साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, कि पौधे पानी को कहाँ से सोखते हैं, राइट। तो एक लेवल पे जैसे आप कहते हैं रूट्स, तो आंसर है यस, और अपन कहें रूट हेयर तो आंसर है मोर करेक्ट। पौधे में लगातार नई जड़ें, नए रूट हेयर इसीलिए बनते हैं ताकि प्लांट ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो रूट हेयर्स मेन साइट होती है, वैसे सिंपली आप जड़ें बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करेक्ट क्या है या सही आंसर देना हो तो रूट हेयर मेन साइट होती है जहाँ से प्लांट्स हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो इसके बाद में और भी कुछ टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आप ब्रायोफाइट्स में चले जाएंगे तो वहाँ पे थैलस हैं, वो जमीन से चिपके रहते हैं तो वो थैलस भी एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जड़ें ही एब्जॉर्ब करती हैं, जड़ों के अलावा राइजोइड्स हैं वो भी पानी को सोखते हैं, और ज़मीन से चिपका हुआ जो थैलस है, ब्रायोफाइट्स वगैरह में आपको इजीली ये चीज़ मिल जाती है, तो थैलस भी एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम बात करें कि हवा में लटकी हुई जो जड़ें होती हैं, हैंगिंग रूट्स, जैसे हैंगिंग रूट में एक तो आपने कहा कि बरगद की है तो वो तो नहीं करेगी, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि उसका काम पानी को एब्जॉर्ब करना नहीं है, उसका काम तो क्या है सपोर्ट का है, वो प्रॉप रूट है। लेकिन आप ये कहें कि कोई ऑर्किड है तो ऑर्किड की जड़ें तो हवा में से पानी को क्या करती हैं सोखती हैं, लेकिन ऑर्किड की जड़ें सोखती हैं ये भी सही बात है, ऑर्किड की जो रूट्स हैं वो हवा में लटकी रहती हैं, हैंगिंग रूट्स हैं, उनमें खास टिश्यू पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वेलामेन टिश्यू, वेलामेन टिश्यू। तो वैसे जड़ें सोखती हैं, आप रूट हेयर बोल सकते हैं, राइजोइड के केस में राइजोइड के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा, थैलस है थैलर बॉडी से भी हो जाएगा, हैंगिंग रूट से भी हो जाएगा, लेकिन हैंगिंग रूट का आपको देखना पड़ेगा कि एग्जाम्पल क्या है। तो अगर ऑर्किड है तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बनियान का वहाँ पे लिखा है तो नहीं होगा, है ना। ऐसे तो मान लो कि जैसे राजस्थान है तो बाजरे की खेती होती है, और बाजरे के पौधों के अंदर जो नीचे की नोड्स हैं वहाँ से भी जड़ें निकलती हैं, वो भी प्रॉप रूट है, वो तो नहीं करती, लेकिन ऑर्किड की जड़ें हैं वो करती हैं। ऑर्किड की जड़ों के लिए आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेलामेन के कारण से भी बनता है, वाटर एब्जॉर्ब के कारण से भी बनता है,
और वेलामेन टिश्यू है वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है प्लस न्यूट्रिएंट को भी करता है। तो हवा के अंदर जो नमी है उसके साथ साथ में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें तो हैंगिंग रूट्स में एक चीज और आपके पास आ जाएगी और वो है गिलोय, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पीछे कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा यूज इसका किया गया था। राजस्थान सरकार ने गिलोय के पौधे बांटे भी थे सबको घरों में, ना 5-5 पौधे बांटे थे, उसमें एक पौधा गिलोय का भी था, है ना, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो इसके अंदर भी हैंगिंग जड़ें पाई जाती हैं और इसकी हैंगिंग रूट भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वैसे ज़्यादा ऑर्किड पे ही ध्यान होता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़े ट्री हैं उनके ऊपर गिलोय की बेल चढ़ी हुई है तो उससे जड़ें नीचे लटकी रहती हैं, वो मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर एब्जॉर्ब भी करती हैं और अच्छी बात ये है कि वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, कि वो हरी हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस। यस, क्या आप किसी दूसरे पौधे का भी नाम बता सकते हो जिसकी जड़ें फोटोसिंथेसिस करती हैं? कोई ऐसा पौधा जो आपके सामने कभी आया हो जिसकी जड़ें फोटोसिंथेसिस करती हैं? उस पौधे का नाम है ट्रापा, क्या नाम है सर? ट्रापा बोलते हैं अपन सिंघाड़ा को, है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। ना। सिंघाड़े की जो जड़ें होती हैं वो फ्लोटिंग होती हैं, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं ना, फ्लोटिंग रूट्स हैं और वो ग्रीन हो जाते हैं। तो जड़ों को लेकर के, है ना, वैसे तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस का भी करता है, मिनरल्स का भी हो जाता है, हैंगिंग रूट के हिसाब से भी क्वेश्चन बन जाता है, मेडिसिनल प्लांट के हिसाब से बन जाता है, राजस्थान सरकार के हिसाब से भी बन जाता है, फोटोसिंथेसिस के हिसाब से बन जाता है। तो अपन को डाइवर्स एंगल सारे कवर करने के, हाँ कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में कभी आया हुआ है आपने क्लास में सुन लिया तो मे बी वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। जैसे मान लो कंपेरेटिव क्वेश्चन बना दिया, ब्रायोफाइट का थैलस भी डाल दिया, राइजोइड भी डाल दिए, तो ऐसे अपन कुछ यूनिक क्वेश्चन बनाने की बात करें तो अगर हमारी कॉन्सेप्ट सही है, पहले से अपन को पता है, तो हम कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके बाद में हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने कहा कि जड़ें पानी को सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, तो वाटर एब्जॉर्ब करने के जो तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं ना, वेज क्या क्या हो सकते हैं? तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो आता है कि ट्रांसपायरेशनल पुल, ट्रांसपायरेशनल पुल का मतलब खिंचाव होता है ना, जैसे पत्तियों से लगातार पानी वेपर्स के रूप में निकलता रहता है तो बॉडी में खिंचाव बनता है जिसको अपन ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं। तो उससे वो खिंचाव है वो रूट हेयर तक जाता है और पौधा जड़ों से या रूट हेयर से पानी को सोखता रहता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से पौधे पानी को सोख लेते हैं। एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन, देखो इसको ऐसे समझ लो कि जैसे ये तो हो गया ट्रांसपायरेशनल पुल ना, जैसे यहाँ पे आप स्टोमेटा लिख दो तो जैसे ही स्टोमेटा से पानी बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल में टेंशन क्रिएट होगा, गार्ड सेल से बाद में मीजोफिल सेल में क्रिएट होगा, फिर वेंस में होगा, हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम में होगा और नीचे लिख दीजिए रूट हेयर। तो एक खिंचाव सा हो गया ना कि पानी ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऐसे पूरे सिस्टम से खींच रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया कि जैसे पौधा तो बेचारा बस एक ऑब्जेक्ट हो गया कि बीच में आ गया, इसमें से होके पानी अपने आप ही खींच रहा है। एक तो ये तरीका होता है। एक होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन।
एसयू में आप ऐसे समझेंगे कि जैसे जाइलम के एलिमेंट्स हैं, जैसे कोई भी जाइलम एलिमेंट आप ले लें, क्योंकि मेनली पानी है वो जाइलम के साथ में ही अपन लेते हैं, और जाइलम की जो भित्तियां हैं वो काफी मोटी है ना, थिक है, और इसकी वजह से है ना, आप जैसे ये कहते हैं कि इसकी सेल वॉल काफी मोटी होती है ना, सेल वॉल मोटी है, और सेल वॉल मोटी होने का मतलब ये है कि इसमें सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, उनका जमाव है, और वो सब क्या है, सोल्यूट हैं, वो पानी को सोखते हैं, एडिशन फोर्सेज है, तो ऐसा है कि ये पानी को सोख रहे हैं, तो उससे भी पौधा क्या है, अपनी जड़ों से पानी को सोखता रहता है। है ना, एक तो जैसे आप ये कहें कि ऊपर से पानी उड़ रहा है तो इसलिए खींच रहा है, एक ही एक की चीजें ऐसे भीगी भी रहना चाहती हैं, पानी को पकड़ के रखना चाहती हैं, तो वो पैसिव एब्जॉर्प्शन है। ये तब हो सकते हैं जब सॉइल के अंदर वाटर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल, यानी कि कोई वेल ड्रेन सॉइल है जिसमें पानी अच्छा खासा है, तो वहां ये आराम से हो सकता है। लेकिन अगर सॉइल में पानी की कमी हो जाती है तो पौधे को जानबूझ के भी पानी सोखना पड़ता है, तो एक्टिव अब्जॉर्प्शन भी होता है। तो प्लांट पैसिव अब्जॉर्प्शन भी करते हैं, एक्टिव अब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल से भी प्लांट है उसके अंदर पानी है वो ऊपर की तरफ अपने आप ही खिंचाव के साथ में चढ़ता रहता है, ये भी अपन ले सकते हैं। ऐसे एक कॉन्सेप्ट यहां से जुड़ जाती है, वो होती है रूट प्रेशर की कॉन्सेप्ट। और ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है, और बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन रह सकता है। एक तो ये होता है कि जैसे आपके पास गमले में लगा हुआ पौधा है और आपने उस पौधे को जमीन से थोड़ा ऊपर करके काट दिया ना, ठीक है, इसकी जड़ें गमले में थी, आपने पौधे को पानी वगैरह बहुत अच्छे से दिया हुआ था, तो यहाँ से पानी निकलेगा, पानी यहाँ से निकलेगा, उसको तो अपन बोलते हैं ब्रीडिंग। अगर हम इसके ऊपर एक ट्यूब लगा दें, ना रबड़ का ट्यूब लगा देते हैं एक, और फिर हम एक रीडिंग के लिए एक स्केल लगा देते हैं, और एक हमने रबड़ की ट्यूब इसमें लगा दी, ये तो हो गया रबड़ ट्यूब और ये हो गया स्केल, और स्केल के अंदर मर्करी का लेवल है HG लेवल। तो जैसे जैसे इसमें पानी ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे मर्करी का लेवल ऊपर चढ़ेगा। इस पूरे सिस्टम को अपन बोलते हैं मैनोमीटर, मैनोमीटर। तो रूट प्रेशर को नापने के लिए या रूट प्रेशर का पता लगाने के लिए जो सिस्टम काम में आता है उसको अपन बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर के अंदर एक मर्करी की स्केल होती है, उससे हमें पता चलता है, ठीक है। अब बात यह आती है कि पौधा जिसको कि आपने काट दिया था उसमें एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आ रहा है। तो जैसे अपन कहें कि ट्रांसपायरेशनल पुल से आ रहा है क्या, तो आंसर है नो, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल से इसका कनेक्शन नहीं होता है। इसका कनेक्शन होता है कि जो आपने सेल वॉल लिया है वो भी किनका, जाइलम एलिमेंट्स का, और
आप कह सकते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल का मैटर होता है वो, सॉल्यूट पोटेंशियल। तो उसकी वजह से पानी है वो सोखा हुआ होता है या पानी है वो ऊपर की तरफ खिंचा हुआ होता है, और जैसे आप काटोगे तो कुछ समय के लिए, लगातार तो नहीं आएगा लेकिन थोड़े टाइम के लिए पानी है वो आपको यहाँ से रिसाव के रूप में मिलेगा। अगर आपने ट्यूब लगा दी तो मैनोमीटर के अंदर रीडिंग के रूप में मिलेगा। तो ट्रांसपायरेशन पुल से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसका कनेक्शन जो सेल वॉल है, जाइलम वेसल्स हैं, ट्राकेट्स हैं, उनके अंदर जो सेलुलोज हैमी सेलुलोज है वो सॉल्यूट पोटेंशियल जो क्रिएट होता है उसकी वजह से पानी है वो खिंचा हुआ होता है, और वो एक्स्ट्रा पानी ही अपन को रूट प्रेशर के रूप में मिलता है। इसके लिए जरूरी है कि गमले में पानी पर्याप्त होना चाहिए, एडिक्वेट वाटर, यानी कि एनफ कैपिलरी वाटर यहाँ पे होना चाहिए। अगर सूखी मिट्टी है तो आपको रूट प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं होगा, रूट प्रेशर का जो फिनोमेना है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे अपन इसमें ऐड कर सकते हैं एक और चीज, और वो है गटेशन। गटेशन का मतलब है पानी का लॉस, और वो भी ड्रॉप्स के रूप में। तो मेनली जो घास होते हैं, मोनोकॉट ग्रासेस जो होते हैं ना, तो ग्रासेस के अंदर पैरेलल वेरिएशन पाया जाता है, या कुछ पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं और उनकी पत्तियों के जो टिप्स होते हैं उन टिप्स से पानी के ड्रॉप्स निकलते हैं। और वो भी कब निकलती हैं, जब हॉट ह्यूमिड तो हॉट ह्यूमिड नाइट के बाद में। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, नाइट के बाद में का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। तो अगर पिछली नाइट में टेम्परेचर काफी ठीक रहा हो, हॉट, और हवा में नमी भी अगर खूब रही है, तो हमें पौधे जो कि मेनली हर्ब्स होते हैं, तो हर्बेशियस कैटेगरी के प्लांट्स के अंदर जो पत्तियां हैं उनकी ओनली टिप्स जो होते हैं, उन टिप्स के ऊपर पानी की बूंदें अपन को निकली हुई मिलती हैं। इसको बोलते हैं गटेशन, यानी कि बिंदु स्राव। तो एक्स्ट्रा वाटर जो कि सॉल्यूट पोटेंशियल की वजह से सोखा हुआ होता है वही यहाँ पे निकलता है, सॉल्यूट पोटेंशियल। यानी कि ये भी क्या हो गया, सेल वॉल की वजह से सोखा हुआ पानी है वो बाहर निकलता है। और जिन पॉइंट से ये पानी बाहर निकलता है उनको अपन बोलते हैं जल रंध्र, या इंग्लिश में बोलते हैं हाई डे थॉट्स। तो स्टोमेटा अलग चीज होती है, लेंटी सेल अलग चीज होती है, हाइड थॉट्स अलग चीज होती है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप कहेंगे स्टोमेटा तो वो ओपन और क्लोज होता है, आप कहेंगे लेंटी सेल यानी कि वातरंध्र तो वो केवल ओपन ही रहते हैं, ओपन ओनली। आप कहेंगे हाइड थॉट तो वो ओपन ही रहते हैं, ओपन ओनली। अगर हम बात करें कि स्टोमेटा से पानी का लॉस होता है वेपर के रूप में, लेंटी सेल से पानी का लॉस होता है वेपर के रूप में, हाइड थॉट से पानी का लॉस होता है लिक्विड के रूप में।
लेंटी सेल्स हैं वो, है ना, जिसको आप इंग्लिश में वातरंद्र, हिंदी में वातरंद्र बोलते हैं ना, ये तने पे भी हो सकते हैं, ब्रांच पे भी हो सकते हैं, लेकिन जो हार्ड थॉट्स हैं ये आपको कहाँ मिलते हैं? लीव्स, और लीव्स की भी टिप्स के ऊपर, राइट। एक चीज आप इसमें और ऐड करेंगे, वो है एक प्रकार का सिम्टम, और इस सिम्टम का नाम होता है टिप बर्निंग इन लीव्स, कि कुछ पौधों की जो पत्तियां हैं वो जली हुई सी हो जाती हैं और उनकी टिप्स जल जाती हैं। जैसे कि आपने पत्ती दिखाई और इसकी जो टिप है ये जली हुई सी हो जाएगी, टिप बर्निंग। ऐसा अपन को देखने को मिलेगा मोस्टली जब अपन बात करते हैं हेलोफाइट्स की, हेलोफाइट्स। तो जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं ना, हेलोफाइट्स का मतलब जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करने वाले पौधे होते हैं उनको अपन हेलोफाइट बोलते हैं। तो हेलोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं कि पानी के साथ में जो साल्ट है उसको भी निकालते हैं, तो मॉर्निंग के अंदर जैसे ये ड्रॉप निकलेगी, बाद में ड्रॉप सूख जाएगी, तो ड्रॉप सूख जाएगी तो जो साल्ट है वो यहीं जम जाते हैं। और जब साल्ट जम जाएंगे तो उसकी वजह से बर्निंग सिम्टम आता है ना, कि पत्तियां जली हुई सी दिखेंगी। तो जो लवण है वो इकट्ठा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट। तो ये किसी पैथोजन से होने वाला या किसी एनवायरमेंटल कंडीशन से होने वाला ऐसा कोई डिजीज नहीं है, बट एक सिम्टम है कि टिप बर्निंग का कनेक्शन भी पानी से है, लेकिन वो कौन सा पानी है जो हाइड्रेथ्रोट से निकलता है लेकिन हेलोफिटिक्स प्लांट्स में निकलता है, और उसमें साथ में साल्ट होते हैं। तो जब मॉर्निंग के बाद में जब नून की तरफ जाएंगे तो सनलाइट के अंदर पानी तो वेपोराइज हो जाएगा और साल्ट वहीं रह जाते हैं, और फिर लगातार पत्तियों के ऊपर जब साल्ट जमा होंगे तो पत्तियां बर्निंग जैसे सिम्टम देते हैं। तो ऐसा भी अपन को मिल जाएगा। तो आई होप ये जो अपनी पहली क्लास रही है ये आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और आपको कोई डाउट हो तो वो फिर आप, है ना, कमेंट भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चनेबल सारी चीज़ें हैं वो लगातार आपके साथ, है ना, यहाँ पे डिस्कस हो जाएं, इजी वे में हो जाएं। और अगर आपने बीएससी एमएससी में किसी चीज़ को इतना ज़्यादा कवर नहीं किया है तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिकली सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत रहने वाली है, ऑलमोस्ट सब कुछ हम कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मिलते हैं फिर, है ना। ओके, थैंक यू सो मच।